Hello, good morning, India. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं राजेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपका स्कूल लेक्चरर और यूजीसी नेट की कक्षा में। फ्रेंड्स, अपन कल प्रोजेक्शन पढ़ रहे थे इस क्लास में दोस्तों, और ये प्रोजेक्शन में कल अपन जहां तक पढ़ा उससे आगे वाले प्रोजेक्शन पढ़ेंगे। तो कल जो बात कर रहे थे अपन, जेनेटिकल प्रोजेक्शन की बात कर रहे थे, मध्य प्रक्षेप की बात कर रहे थे, तो उसके मैंने आपको 12 प्रकार बताए हैं। तो आपको नोमोनिक, स्टूरियोग्राफी, ऑर्थोग्राफी मैंने पहले जो शुरू की क्लास थी उसमें बताया था कि ये होते क्या हैं। संदर्श, असंदर्श मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया था। संदर्श प्रक्षेप क्या होता है, असंदर्श प्रक्षेप क्या होता है, तो ये आप लोग जो स्कूल लेक्चरर वाले बच्चे हैं, लक्ष्मी जो आपने उन बच्चों को शेयर कर दो अपने यार, वो साथ वाले थे जिनके, क्योंकि वो फिर बोलेंगे एक सर हमारा वो रह रहा है, तो उनको पता तो लग जाए ना कि भाई क्लास रेगुलर हो रही है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा अपने हिसाब से ध्यान रख के कर दिया करो उनको, और सभी को है ना गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, समझ में है ना। अब पढ़ाई पे फोकस करना है, आगे के प्रोजेक्शन के अपन चर्चा करेंगे। तो आज खमध्य प्रक्षेप के बारे में अपन पढ़ेंगे। आराम से लिखना, नोट्स बनाना कोई दिक्कत नहीं है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लेना, जिसको नोट्स बनाने हैं वो आराम से नोट्स बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं अपना खमध्य प्रक्षेप। खमध्य प्रक्षेप की बात करेंगे तो खमध्य प्रक्षेप में पहला पढ़ेंगे, सबसे पहले अपन ध्रुवीय समदूरस्थ खमध्य प्रक्षेप, ध्रुवीय समदूरस्थ खमध्य प्रक्षेप, इनकी सबकी विशेषता पढ़नी है अपन को। तो याद रखना इसकी विशेषताओं की, ध्रुवीय समदूरस्थ खमध्य प्रक्षेप। समदूरस्थ का मतलब होता है अक्षांश देशांतर रेखाओं के बीच में दूरी समान होती है, समझ में है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें अक्षांश वृत्तों को वृत्ताकार, इसमें अक्षांश वृत्तों को वृत्ताकार मानकर ध्रुवीय ध्रुवीय क्षेत्र को केंद्र माना जाता है, केंद्र माना जाता है। एवं समान दूरी पर, समान दूरी पर अक्षांश वृत्तों का निर्माण किया जाता है, अक्षांश वृत्तों का निर्माण किया जाता है। तो पहली विशेषता है, इसमें अक्षांश वृत्तों को वृत्ताकार मानकर ध्रुवीय क्षेत्रों को केंद्र माना जाता है, एवं ध्रुवीय क्षेत्र से समान दूरी पर अक्षांश वृत्तों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। ये इसकी पहली विशेषता है। अगला है, इसमें जो पोल होते हैं, जो पोल होते हैं, पोल इसमें एक बिंदु के रूप में होते हैं, एक बिंदु के रूप में होते हैं। पोल जो होते हैं, जो ध्रुव होते हैं, वो एक बिंदु के रूप में होते हैं। आगे की विशेषता की बात करें तो इसमें प्रत्येक देशांतर, प्रत्येक देशांतर पर मापनी शुद्ध होती है, मापनी शुद्ध होती है, प्रत्येक देशांतर पर मापनी क्या होती है, शुद्ध होती है, यह ध्यान रखना है, समझ में आया ना, शुद्ध होती है। एवं ये सरल रेखा में होती हैं, सरल रेखा में होती हैं, तो पहली विशेषता की अगर मैं बात करूं
तो इसमें अक्षांश व्रतों को वृताकार मानकर ध्रुवीय क्षेत्रों को केंद्र माना जाता है एवं समान दूरी पर अक्षांश व्रतों का निर्माण किया जाता है। दूसरे की अगर मैं चर्चा करूं आपके सामने तो दूसरी विशेषता है कि इसमें जो ध्रुव होते हैं एक बिंदु के रूप में होते हैं, जो पोल होते हैं, और अगली विशेषता है प्रत्येक देशांतर पर मापनी क्या होती है, शुद्ध होती है, ठीक है ना। अगली विशेषता की बात करें तो इसमें ग्लोब का आधा भाग ही दर्शाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रक्षेप में ग्लोब का, ये जो मैं विशेषता बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोब का आधा भाग ही दर्शाया जाता है, आधा भाग ही दर्शाया जाता है। परीक्षा में प्रश्न पूछता है निम्न में से कौन से ग्लोब में आधा भाग, निम्न में से कौन से प्रक्षेप में ग्लोब का आधा भाग ही दर्शाया जाता है। स्टार लगा दिया मैंने, क्वेश्चन पूछ सकता है यहां से कि निम्न में से किस प्रक्षेप में ग्लोब का आधा भाग ही दर्शाया जाता है, यह ध्यान रखना है। इस प्रक्षेप का उपयोग ध्रुवीय क्षेत्रों में, कौन से क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में, इस प्रक्षेप का प्रयोग ध्रुवीय क्षेत्रों में किसके लिए होता है, नौ संचालन के लिए किया जाता है ध्रुवीय क्षेत्रों में, समझ में आया ना। कहां, जैसे आपका आर्कटिक हुआ, आपका अंटार्कटिक हुआ, इन क्षेत्रों में नौसंचालन के लिए कौन सा प्रक्षेप काम में लेते हैं अपन, तो याद रखना ध्रुवीय मध्य सम दूरस्थ प्रक्षेप काम में लेते हैं, समझ में आया ना, ये ध्यान रखना है आपको। तो इस प्रक्षेप में ग्लोब का आधा भाग ही दर्शाया जाता है, ये विशेषता रट लेना। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन से प्रक्षेप के द्वारा ध्रुवीय क्षेत्रों में नौसंचालन का कार्य संपन्न किया जाता है, तो याद रखना ध्रुवीय मध्य सम दूरस्थ प्रक्षेप के द्वारा। तो इस प्रक्षेप का उपयोग ध्रुवीय क्षेत्रों में नौसंचालन के लिए किया जाता है, जैसे आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में, ये याद रखना है आपको। तो ये था आपका ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप। बात करेंगे विषुवतरेखीय सम दूरस्थ खमध्य प्रक्षेप। तो अपन ने ये वाला जो प्रक्षेप पढ़ा है ये कौन सा है, ये ध्रुवीय क्षेत्रों का सम दूरस्थ खमध्य प्रक्षेप पढ़ा है। अब पढ़ेंगे अपन ध्रुवीय सम दूरस्थ विषुवतरेखीय प्रक्षेप, समझ में आया ना। तो अपन ने कल 12 पाठ पढ़े थे तो उसका नाम याद होना चाहिए, आपको पता होने चाहिए उसमें। तो ये ध्यान रखना इसमें केवल दो विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये वाली विशेषता इंपॉर्टेंट है, ग्लोब का आधा भाग ही दर्शाया जाता है, और दूसरा ध्रुवीय क्षेत्रों में नौसंचालन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला है विषुवतरेखीय समदूरस्थ खमध्य प्रक्षेप। ये विषुवतरेखीय क्षेत्रों के लिए होगा। इसमें क्या होगा, इस प्रक्षेप की विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना इसमें केंद्रीय मध्ययान रेखा पर मापनी शुद्ध होती है, पर मापनी क्या होती है, शुद्ध होती है, परम अपनी शुद्ध होती है। साथ ही भूमध्य रेखा पर, इसका मतलब क्या क्या है, केंद्रीय मध्यहन रेखा का मतलब है देशांतर रेखा। केंद्रीय मध्यहन रेखा जहां भी लिखी हुई मिले तो समझ जाना देशांतर रेखा। साथ ही भूमध्य रेखा पर भी मापनी शुद्ध होती है, भूमध्य रेखा पर भी मापनी क्या होती है, शुद्ध होती है। तो देशांतर, केंद्रीय देशांतर जो रेखा होती है उस पर, और भूमध्य रेखा पर मापनी क्या होती है,
शुद्ध होती है, अन्य पर नहीं, ये ध्यान रख लेना, अन्य पर नहीं और किसी पर भी नहीं होगी, केवल केंद्रीय देशांतर रेखा और भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध, अन्य पर नहीं। तो अब इसके लिए इसका उपयोग क्या है, उपयोग क्या है, विषुवतरेखीय क्षेत्रों में, विषुवतरेखीय है ये, विषुवतरेखीय समदूरस्थ प्रक्षेप है, तो इसका उपयोग विषुवतरेखीय क्षेत्रों में, के नाम से उत्तर आ जाएगा, समझ में आया ना, विषुवतरेखीय क्षेत्रों में वायु मार्ग, विषुवतरेखीय क्षेत्रों में कौन से मार्ग, वायु मार्ग प्रदर्शित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए इसका क्या किया जाता है, इसका क्या होता है, इसका उपयोग होता है याद रखना, यह विशेषता ही पूछेगा आपसे, मैंने स्टार लगा दिया, परीक्षा में प्रश्न पूछेगा, निम्न में से कौन से प्रक्षेप के द्वारा विषुवतरेखीय क्षेत्रों में वायुमार्ग प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, निम्न में से कौन से प्रक्षेप के माध्यम से विषुवतरेखीय क्षेत्रों के वायुमार्ग निर्धारित किए जाते हैं, तो आंसर आएगा विषुवतरेखीय समदूरस्थ मध्य प्रक्षेप, यह आपको याद रखना है, यह ध्यान रखना है, विषुवतरेखीय क्षेत्र, विषुवतरेखीय वायुमार्ग प्रदर्शित करने के लिए कौन सा प्रक्षेप काम में लिया जाता है, विषुवतरेखीय समदूरस्थ प्रक्षेप, केवल बस ये विशेषता ही पूछेगा आपसे, ये विशेषता ही पूछेगा, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, अगला जो आपका है, अगला जो प्रक्षेप आ गया वो आ गया नो मोनिक ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, नो मोनिक ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, जहां विशेषताओं पे स्टार लगा दूं तो समझ जाना इंपॉर्टेंट है। इस प्रक्षेप की बात करें तो अक्षांश व देशांतर रेखा के मध्य दूरी बढ़ती है, इस प्रक्षेप में क्या होता है, अक्षांश व देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी क्या होती है, बढ़ती है, अक्षांश व देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी क्या होती है, बढ़ती है। इस प्रक्षेप में जो पोल होते हैं, पोल एक बिंदु के रूप में होते हैं, बिंदु के रूप में होते हैं इस प्रक्षेप में, यह याद रखना है। अगली विशेषता क्या है, पोल के पास यानी कि ध्रुवों के पास, पोल के पास मापनी क्या होती है, मापनी शुद्ध होती है। देखो एक प्रक्षेप ऐसा भी है जहां पोल के पास मापनी क्या होती है, शुद्ध होती है, किंतु दूर जाने पर, अगर आप पोल से दूर जाओगे, किंतु दूर जाने पर, दूर जाने पर शुद्धता में क्या आती जाती है, कमी आ जाती है, शुद्धता में कमी आती जाती है। अक्षांश व देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी बढ़ती है, पोल एक बिंदु के रूप में होता है, पोल के पास मापनी शुद्ध, किंतु दूर जाने पर शुद्धता में क्या आती है, कमी आती है। इसका उपयोग किस में होता है, उपयोग ध्रुवीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में नौ संचालन और वायुमार्ग, नौ संचालन प्लस वायुमार्ग हेतु, वायुमार्ग हेतु इसका उपयोग होता है, वायुमार्ग हेतु इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। वहां पे देखो आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में, विशेषकर यहां पे जो मैंने पीछे लिखा था आप लोगों के लिए, ये याद रखना है, ये मैंने लिखा ध्रुवीय क्षेत्रों में, तो नौ संचालन के लिए किया जाता है, विशेषकर कौन से आ गए, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र आ गए, इनके लिए उपयोगी है, और ये पोल के लिए उपयोगी है। इसमें क्या लिखा है मैंने, ध्रुवीय क्षेत्रों में नौ संचालन और वायुमार्ग के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यह आपको याद रखना है, क्लियर है ना, दोनों में अंतर समझ जाना, वो आर्कटिक और अंटार्कटिक के लिए है, ये बिल्कुल
पोल के लिए है, दुर्गम क्षेत्रों में नौ संचालन वायु मार्ग के लिए। अगर परीक्षा में पूछे आर्टिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में नौ संचालन के लिए कौन सा प्रक्षेप काम में लेते हैं तो आंसर वो आएगा। और यदि पूछ ले ध्रुवीय क्षेत्रों में नौ संचालन और वायुमार्ग के लिए तो नोमोनिक ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप आएगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगले प्रक्षेप की अगर मैं चर्चा करूं तो आ गया त्रियक मध्य प्रक्षेप। ये पता ही होगा कहां बनेगा, त्रियक मध्य प्रक्षेप आपको पता ही होगा कहां बनेगा। कल बताया था मैंने त्रियक मध्य क्या होता है, इसकी विशेषताएं की बात करें अपन तो इसमें क्या होता है, जो पोल होते हैं, पोल एक बिंदु के रूप में, पोल एक बिंदु के रूप में होते हैं। नेक्स्ट, यदि इसकी बात करें देशांतर रेखा सीधी होती है, देशांतर रेखा सीधी होती है इस प्रक्षेप में, देशांतर रेखा सीधी होती है इस प्रक्षेप में, ध्रुवों पर मापनी शुद्ध होती है, ध्रुवों पर मापनी क्या होती है, शुद्ध होती है, और दूर जाने पर मापनी की शुद्धता में कमी आती है, शुद्धता में कमी आती है। मापनी की शुद्धता में क्या आती जाती है, कमी आती है। अगली इसकी यह विशेषता है शुद्ध दिशा वाला प्रक्षेप कहलाता है, यह है शुद्ध दिशा वाला प्रक्षेप कहलाता है। परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है शुद्ध दिशा वाला प्रक्षेप कौन से प्रक्षेप को कहते हैं, तो त्रियक मध्य प्रक्षेप को कहते हैं। याद रखना शुद्ध दिशा वाला प्रक्षेप कौन से प्रक्षेप को कहते हैं, त्रियक मध्य प्रक्षेप को कहते हैं। उपयोग मौसम मानचित्र बनाने में, उपयोग मौसम मानचित्र बनाने में। याद रखना कौन सा प्रक्षेप मौसम मानचित्र बनाने के लिए उपयोगी है, त्रियक मध्य प्रक्षेप। समझ में आया ना, त्रियक मध्य प्रक्षेप है, ये ध्यान रखना है। समझ में आया तो ध्यान रखना, त्रियक मध्य प्रक्षेप की अगर चर्चा करें अपन तो पोल एक बिंदु के रूप में होते हैं, देशांतर रेखा सीधी होती है, ध्रुवों पर मापनी शुद्ध होती है, ध्रुवों से दूर जाने पर मापनी की शुद्धता में क्या आती है, कमी आती है। यह शुद्ध दिशा वाला प्रक्षेप है और इसका उपयोग किस में किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों मौसम मानचित्र बनाने में, यह ध्यान रखना है। बात करेंगे ध्रुवीय मध्य सम क्षेत्र प्रक्षेप की, ध्रुवीय मध्य सम क्षेत्र अपन ने सम दूरस्थ पढ़ा था, अब पढ़ेंगे सम क्षेत्र प्रक्षेप। इसका रचना जे एच लंबर्ट ने, इसकी भी रचना किसने की थी, जे एच लंबर्ट ने की थी, याद रखना है। शुद्ध क्षेत्रफल वाला प्रक्षेप है, शुद्ध क्षेत्रफल वो दिशा बता रहा था, ये क्षेत्रफल बताएगा, शुद्ध क्षेत्रफल वाला प्रक्षेप है, शुद्ध क्षेत्रफल वाला प्रक्षेप है, याद रखना है। और इसका उपयोग किस में करेंगे, उपयोग करेंगे ध्रुवीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों के वितरण प्रारूप को दर्शाने में। वितरण प्रारूप किसी का भी हो सकता है, ध्रुवीय क्षेत्रों में वितरण प्रारूप दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यह ध्यान रखना है। ध्रुवीय मध्य सम
क्षेत्र जो प्रक्षेप है इसकी रचना जेएस लंबर्ट ने की थी। शुद्ध क्षेत्रफल वाला प्रक्षेप है, इसका उपयोग ध्रुवीय क्षेत्रों में वितरण प्रारूप को दर्शाने के लिए किया जाता है, यह आपको याद रखना है। तो यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई होगी। ध्रुवीय मध्य सम क्षेत्र प्रक्षेप रचना जेएस लंबर्ट ने की थी। शुद्ध क्षेत्रफल वाला प्रक्षेप है, उपयोग ध्रुवीय क्षेत्रों के वितरण प्रारूप को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे ध्रुवीय क्षेत्रों में वितरण प्रारूप, चाहे वो जनसंख्या का हो, चाहे वो वनस्पति का हो, किसी का भी हो, समझ में है ना। तो ये याद रखना है आपको। यहां तक कोई समस्या ही है क्या? क्लियर है यहां तक का मामला? अब परंपरागत विधि के अनुसार प्रक्षेप पढ़ेंगे। बाकी मैंने नोमोनिक प्रक्षेप, स्टीरियोग्राफी प्रक्षेप, ऑर्थोग्राफी प्रक्षेप आपको बताए हैं। चले आगे। अरे अविनाश पांडे, किसकी तैयारी कर रहे हो अविनाश पांडे जी? आप किसकी तैयारी कर रहे हो भाई अविनाश पांडे जी? अविनाश पांडे जी किसकी तैयारी कर रहे हो मेरे भाई? रेलवे में तो कहूंगे सिलेबस में, रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे में है ही नहीं। अनिल वर्मा जी, वो क्वेश्चन आपको अनअकैडमी पे जाके ही मिलेंगे। वहां वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे एक लिंक है, वहां की कुछ फॉर्मेलिटी है वो भरना है आपको, और वहां जाके वो क्वेश्चन मिलेंगे। अब ये तो मेरे को नहीं पता कि हमारी एकेडमी ने आपको फोन किया कि नहीं किया, लेकिन वो क्वेश्चन वहां मिलेंगे तो आप जाके उसको देख सकते हैं। अब परंपरागत आधार पर दो प्रकार के प्रक्षेप होते हैं, मोलविड प्रक्षेप और सिनुसॉइडल प्रक्षेप। मोलविड प्रक्षेप होता है, एक सिनुसॉइडल प्रक्षेप होता है, बात कर लेते हैं उनकी भी। परंपरागत आधार पर प्रक्षेप, दो प्रकार के होते हैं, मोलविड प्रक्षेप और दूसरा है सिनुसॉइडल प्रक्षेप। देख लेना भाई, मोलविड होता है और एक सिनुसॉइडल प्रक्षेप होता है। तो सबसे पहले अपन मोलविड प्रक्षेप पढ़ेंगे। परंपरागत आधार पर दो होता है, मोलविड होता है, सिनुसॉइडल प्रक्षेप होता है, ठीक है ना। और ये दोनों प्रक्षेप अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन मोलविड प्रक्षेप की बात करते हैं, इसकी विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन याद रखना। मोलविड प्रक्षेप की अगर मैं बात करूं तो इसके बारे में पूछें तो इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, निर्माण किसने किया, खोज किसने किया, तो याद रखना कार्ले बंडन ने इसकी खोज की थी। कार्ले वंडन मोलविड ने, कार्ले वंडन मोलविड ने इसकी खोज की थी, ये याद रखना है। और रचना इसकी किसने की थी, बनाया किसने था, समझ में है ना। तो जे पाल गुड्डी ने इसकी रचना की थी, ये ध्यान रखना। ये अमेरिकन मानचित्रकार था। अब इसकी बात करें तो यह है मोलविड प्रक्षेप सम क्षेत्रफल वाला प्रक्षेप है। सम क्षेत्रफल वाला प्रक्षेप है, यह ध्यान रखना। सम क्षेत्रफल वाला प्रक्षेप है। इसमें क्या होता है, अक्षांश रेखाएं सीधी जबकि देशांतर रेखाएं दीर्घवृत्तीय होती हैं। अक्षांश रेखा
सीधी, जबकि देशांतर रेखा कैसी होती है? दीर्घवृत्तीय होती है। ये विशेषता में स्टार लगा दिया। डायरेक्ट परीक्षा में यही प्रश्न पूछता है, कौन से प्रक्षेप में अक्षांश रेखा सीधी जबकि देशांतर रेखाएं दीर्घवृत्तीय होती है और किसी भी प्रक्षेप की विशेषता नहीं है, ये याद रखना है। नेक्स्ट, अगली विशेषताओं की बात करूं तो देशांतर रेखा इसमें क्या होती है? देशांतर रेखा सीधी सरल होती है। देशांतर रेखा सीधी सरल होती है। खोज कार्ले बदन मौलवी ने की थी, रचना जयपाल गुड्डी ने की थी। यह सम क्षेत्रफल वाला प्रक्षेप है। अक्षांश रेखा सीधी जबकि देशांतर रेखाएं दीर्घवृत्तीय होती है। देशांतर रेखा सीधी और सरल होती है। बात करें इसकी अगली विशेषता की तो इसमें क्या होता है दोस्तों, मध्य देशांतर रेखा यानी कि प्रधान, मध्य, प्रधान का मतलब जीरो डिग्री देशांतर रेखा, प्रधान मध्य देशांतर रेखा यानी कि जीरो डिग्री देशांतर रेखा, तो प्रधान मध्य देशांतर रेखा इसको जीरो डिग्री भी बोल सकते हैं, रेखा भूमध्य रेखा की, भूमध्य रेखा की क्या होती है? आधी होती है। यह इंपॉर्टेंट है, कौन से प्रक्षेप में? जीरो डिग्री देशांतर रेखा भूमध्य रेखा की आधी होती है, तो याद रखना मोलविड प्रक्षेप में, यह ध्यान रखना है। मोलविड प्रक्षेप की खास विशेषता यही है, जीरो डिग्री देशांतर रेखा भूमध्य रेखा की क्या रह जाती है? आधी हो जाती है। उपयोग, अब इसका उपयोग किया जाता है विश्व के वितरण मानचित्र में, विश्व के वितरण मानचित्र में, वितरण मानचित्र में इसका उपयोग होता है। विश्व के वितरण मानचित्र में उपयोग हो रहा है, किस किस में उपयोग हो सकता है? जैसे चावल है, रबड़, अब देखो ध्यान रखना, रबड़ है, जैसे अपन ने पढ़ा विषुवतरेखीय क्षेत्रों में चावल रबड़ कपास को दर्शाने के लिए कौन सा प्रक्षेप है, पीछे बता चुका, वो केवल विषुवतरेखीय क्षेत्रों में दर्शाने के लिए है, समझ में है ना। और ये किसके लिए है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। वो मैंने जो पीछे प्रक्षेप पढ़ाए थे तो आपको ये बताया था कि कौन सा किस प्रक्षेप में केवल विषुवत रेखा का वितरण मानचित्र दर्शाया जाता है, किसमें ध्रुवीय क्षेत्रों के वितरण मानचित्र दर्शाए जाते हैं, इसमें पूरे विश्व के दर्शाए जाते हैं। तो विश्व मानचित्र में उपयोग चावल रबर कपास गेहूं कॉफी गन्ना आदि 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 को दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यह ध्यान रखना। और यह है एटलस मानचित्र के लिए उपयोगी है, इंपॉर्टेंट है, यह है एटलस मानचित्र के लिए उपयोगी है। परीक्षा में ये तीन विशेषताएं अक्सर पूछता है जो मैंने बता दिया आपको। पहली विशेषता ये पूछ सकता है कौन से प्रक्षेप में प्रधान मध्य देशांतर रेखा भूमध्य रेखा की आधी होती है, रट लेना, मोलविड प्रक्षेप में। कौन से प्रक्षेप को विश्व के मानचित्र को दर्शाने के लिए काम लिया जाता है, मोलविड प्रक्षेप को। विश्व में गेहूं चावल कपास गन्ना रबर को दर्शाना हो तो कौन से प्रक्षेप को काम लेंगे, मोलविड को। और किस प्रक्षेप एटलस मानचित्र के लिए उपयोगी होता है, तो मोलविड प्रक्षेप, यह ध्यान रखना है। अगला प्रक्षेप आपका सिनुसॉइडल, सिनुसॉइडल प्रक्षेप, रचना सैनसन ने की थी, फ्रांसीसी मानचित्रकार था, फ्रांसीसी मानचित्रकार था, तो फ्रांसीसी मानचित्रकार सैनसन ने इसकी क्या की थी, रचना की थी सिनुसॉइडल प्रक्षेप की, याद रखना है। इसकी खास विशेषताओं में क्या होती है, मध्य देशांतर रेखा यानी कि जीरो डिग्री देशांतर रेखा, मध्य देशांतर रेखा व भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा पर मापनी क्या होती है, मापनी शुद्ध होती है,
मापनी क्या होती है? शुद्ध होती है। इसे शुद्ध क्षेत्र वाला प्रक्षेप भी कहते हैं। इसलिए इसे शुद्ध क्षेत्रफल वाला प्रक्षेप भी कहते हैं। इसे शुद्ध क्षेत्र वाला प्रक्षेप भी कहते हैं। सभी अक्षांशों पर मापनी शुद्ध होती है। अक्षांशों पर मापनी क्या होती है? मापनी शुद्ध होती है। नेक्स्ट, इसका उपयोग विश्व वितरण मानचित्र में किया जाता है। इसका उपयोग विश्व मानचित्रण में किया जाता है, यह ध्यान रखना। लेकिन यह भी विश्व वितरण मानचित्र में लिए उपयोगी है। इसमें कौन कौन से वही दर्शाएंगे? आप फसल दर्शा सकते हो, जनसंख्या दर्शा सकते हो, कुछ भी दर्शा सकते हो, समझ में आया ना। लेकिन यदि आपसे पूछ ले जैसे कि गेहूं दे दे या चावल दे दे कि निम्न में से गेहूं को या रबर को निम्न में से कौन से प्रक्षेप में, ऑप्शन में सिनुसॉइडल और मोलविड दोनों हो, तो सबसे उपयुक्त मोलविड होता है। मोलविड ही करके आना है आपको, ये याद रखना है। विश्व मानचित्र दर्शाने में सिनुसॉइडल प्रक्षेप का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन परीक्षा में प्रश्न पूछ ले, यदि एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कि विश्व में रबर, कहवा, आपके गन्ना, इनको दर्शाने के लिए कौन से प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है, तो मोलविड प्रक्षेप करके आना है। अगर आप सिनुसॉइडल करके आओगे तो भी आंसर तो सही माना जाएगा, लेकिन वो झंझट होंगे, तो मोलविड पे ध्यान देना है आपको। ये भी विश्व वितरण मानचित्र को दर्शाने के लिए काम लिया जाता है, समझ में आया ना, ये ध्यान रखना है। अरे क्लास चल रही है अनिल वर्मा जी, मेरे भाई क्लास चल रही है ज्योग्राफी की, नियमित क्लास चल रही है, उसमें सुबह 9:30 से 11 तक रेगुलर क्लास चलती है। आप उसका प्रोसेस, ये इसकी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां जाके देख लेना। तो ये थे मेरे दोस्तों आपके प्रोजेक्शन, जो आपके कार्टोग्राफी में प्रोजेक्शन वाला पार्ट था, ये प्रोजेक्शन वाला पार्ट खत्म होता है आपका। और आपको जो मिनरल्स, कल अपन मिनरल्स पढ़ेंगे, उनकी क्लास मॉर्निंग में सुबह 9 होगी। जिसको भारत के खनिज संसाधन पढ़ने हैं तो सुबह मॉर्निंग वाली क्लास को अटेंड करें। कल वो मॉर्निंग में क्लास होगी, सुबह 9 लाइव होगा, और वो लाइव क्लास चलेगी सुबह 9 मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में सुबह 9 भारत के अपन पढ़ेंगे खनिज संसाधन, भारत के खनिज संसाधन सुबह 9 पढ़ेंगे, तो वो लाइव क्लास आपको लेनी है। हाँ बिल्कुल अनिल, भरवा दो, चल रही है क्लास, ठीक है ना। तो ये प्रक्षेप का पार्ट आज आपका समाप्त होता है। तो मैंने प्रक्षेप, कोरिलेशन, आपको रिमोट सेंसिंग, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, कोरिलेशन करा दिया आपको, ये सारे के सारे पार्ट करा दिए हैं कार्टोग्राफी में। माध्यम, माध्यिका और बहुलक वाला जो पार्ट है वो फर्स्ट पेपर हम चालू करेंगे, तो उसमें सबसे पहले गणित में वो ही पढ़ाए जाएंगे, तो वो वीडियो वहां से देखना है आपको, ठीक है ना। भारत के खनिज संसाधन कल सुबह मॉर्निंग 9 पढ़ेंगे अपन, फिर उद्योग धंधों ले लेंगे, फिर एशिया के बारे में चर्चा करेंगे अपन। एशिया बचा हुआ था आपका, एशिया वाला पार्ट करेंगे। तो कल सुबह 9 मिलते हैं। विश ऑल द बेस्ट। प्रक्षेप का पार्ट आपका मेरी ओर से क्या होता है, समाप्त होता है। गुड नाइट, शुभ रात्रि।